गुड मॉर्निंग डियर क्लास फोर्थ स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड टुडे आई विल डू सॉल्व क्वेश्चन आंसर ऑफ टेस्ट योर सेल्फ वन फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर. आई हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर ए टू डी इन प्रीवियस क्लास एंड टुडे आई विल डू सॉल्व ई टू जी. बच्चों हम लोग अभी इंग्लिश के क्लास में है और हम लोग अभी ग्रामर में टेस्ट योरसेल्फ वन का क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे. पिछले क्लास में हम लोगों ने ए से लेकर के बी तक का क्वेश्चन सॉल्व किया था, आज हम लोग ई से लेकर जी तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. हम लोगों को मालूम है कि हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है. हमारे ग्रामर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. इसमें पेज नंबर 42 है, पेज नंबर 42 देखें. ई में ये कहा जा रहा है रीड द फ्रेजेस गिवेन बिलो, रीराइट देम यूजिंग पोसेसिव नाउंस. क्या कहा जा रहा है कि नीचे जो फ्रेजेस दिए हुए हैं उसे पढ़िए और उसे दोबारा लिखिए पोसेसिव नाउन यूज करते हुए. तो ए में सेंटेंस है द बर्थडे ऑफ गीता, द बर्थडे ऑफ गीता. तो इसको रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे पॉसेसिव नाउन लगा करके, तो क्या होगा गीताज बर्थडे. द बर्थडे ऑफ गीता की जगह क्या होगा गीताज बर्थडे. उसके बाद बी है द गन ऑफ द पुलिसमैन, द गन ऑफ पुलिसमैन की जगह पे पॉसेसिव नाउन हम लगाएंगे. तो सेंटेंस इस टाइप से होगा पुलिसमैन्स गन, ठीक है. उसके बाद सी है द बैग्स बिलोंगिंग टू द गर्ल्स, तो क्या हो जाएगा गर्ल्स बैग. क्या होगा गर्ल्स बैग. उसके बाद डी है द कार बिलोंगिंग टू माई सिस्टर. तो इसका पॉसेसिव प्रोनाउन के पॉसेसिव नाउन क्या बनाएंगे हम माई सिस्टर्स कार. इस सेंटेंस को रीराइट करेंगे पॉसेसिव नाउन के लगा करके, तो क्या लिखेंगे माई सिस्टर्स कार. उसके बाद है ये ई है द पेरेंट्स ऑफ अकीला एंड विमला, द पेरेंट्स ऑफ अकीला एंड विमला. तो क्या होगा अकीला एंड विमलास पेरेंट्स. उसके बाद एफ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडजेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल एडजेक्टिव्स. ए है वी शो ऑप्शन है मच मेनी, तो क्या होगा इसमें मेनी. क्या फिल करेंगे वी शो मेनी एनिमल एट द जू, यहाँ ब्लैंक्स में क्या फिल होगा मेनी. उसके बाद बी है द स्काई इज ब्लैंक्स, ऑप्शन है ब्लू पिंक, तो इसमें क्या होगा स्काई ब्लू होता है तो ब्लू फिल हो जाएगा, सेंटेंस होगा द स्काई इज ब्लू. उसके बाद सी है हनी इज ब्लैंक्स है, ऑप्शन है सॉर स्वीट. तो हनी क्या होता है मीठा होता है, तो स्वीट फिल होगा, क्या हो जाएगा हनी इज स्वीट. उसके बाद डी है इट इज ए ब्लैंक पेंटिंग ब्यूटीफुल फास्ट, तो क्या होगा ब्यूटीफुल ब्लैंक्स में हम फिल करेंगे ब्यूटीफुल, क्या फिल करेंगे ब्यूटीफुल, सेंटेंस होगा इट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग. उसके बाद ई है एन एलिफेंट इज ए ब्लैंक्स एनिमल, ऑप्शन है बिग स्मॉल, तो एलिफेंट बड़ा एनिमल होता है तो बिग फिल होगा, क्या होगा यहाँ बिग फिल होगा, सेंटेंस होगा एन एलिफेंट इज ए बिग एनिमल. उसके बाद जी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में कुछ वर्ड दिए हुए हैं उससे आपको जो करेक्ट वर्ड होगा उससे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है. वर्ड है मोस्ट यूजफुल लॉन्गर फास्टेस्ट ग्रेट हॉट. ए है चीता इज द क्या है, ऑप्शन है आपको इसमें बॉक्स में एक फास्टेस्ट है तो क्या फिल होगा फास्टेस्ट ही होगा, सबसे तेज चीता ही होता है तो यहाँ फास्टेस्ट होगा चीता इज द
ब्लैंक्स में क्या हुआ, फास्टेस्ट, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। बी है इट इज ए, ऑप्शन है एक बॉक्स में हॉट, हॉट फील होगा यहाँ, क्या होगा इट इज ए हॉट डे टूडे। उसके बाद सी है आयरन इज द, आयरन इज द, आयरन क्या है इसमें ऑप्शन है, दो ऑप्शन को हम लेंगे मोस्ट और यूजफुल, दोनों को लेंगे उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स। उसके बाद डी है जिराफ हैज ए लॉन्गर, ऑप्शन में लॉन्गर है वो लॉन्गर आएगा इसमें, जिराफ हैज ए लॉन्गर नेक देन अदर एनिमल्स। उसके बाद ई है अशोका वाज द, ऑप्शन है आपको बॉक्स में एक ग्रेट, वो ग्रेट आएगा इसमें, क्या होगा अशोका वाज ए ग्रेट किंग। तो ये आपका सेक्शन ई एफ जी का आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, और जो कोई बच्चे क्लास फोर में हैं और बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं उनको मेरा ये वीडियो यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा। इस आशा के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ आज मैं अपना क्लास स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।